राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थागत रूप में करते थे। उनकी जो पद्धतियां थी वे प्राचीन और अपरिष्कृत थी, यानी उनमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया था समय के अनुसार। ठीक है, इनमें ऐतिहासिक पद्धति, दर्शनवादी पद्धति व कानूनी या विधिक विधिक पद्धति विधिक में संविधानवाद आ गया। और दूसरी क्या थी? तुलनात्मक। अगर हम इसकी जगह एक और लिख दें तो यहाँ पर आगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। आगमनात्मक, ये मैंने बताया आपको, पहले किसका निर्माण होगा? सिद्धांत का, निगमनात्मक सॉरी, पहले किसका प्रयोग होगा या निर्माण होगा? सिद्धांत का, फिर उसको अप्लाई किया जाएगा। यानी उस सिद्धांत को इस आधार पर उन परिस्थितियों में परीक्षण करते हुए फिर ये तय किया जाएगा कि ये सिद्धांत काम करने योग्य है या नहीं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं। मतलब माइंड में, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे रखा है, कोई भी चीज़ माइंड में, फ़ोन के जो आकार आप देख रहे हैं वो पहले दिमाग में उसका निर्माण होता है, उसके बाद उसका निर्माण किया जाता है वास्तविक रूप से, भौतिक रूप से। तो ऐसे ये भी करते थे। अब इनका कोई लॉजिक नहीं है, जैसे हमने बात की कैसी है, दर्शनात्मक। तो ये सारी चीज़ें किस पर आधारित है? उनकी सोच पर, उनके दर्शन पर, उनके जो उन्होंने पहले जो पद्धतियों को अपने आसपास जो उस समय में प्रचलित जो पद्धतियां थी या उस समय में प्रचलित जो सरकारें थी या शासन व्यवस्थाएं थी उनका अध्ययन करके एज इट इज़ उसमें से क्या अच्छा था उसको लागू कर दिया अपने यहाँ, या उसको अपने सिद्धांतों में स्थान दे दिया। उसका परीक्षण करने का प्रयास नहीं किया, उसकी वास्तविकता का ज्ञान लेने की कोशिश नहीं की गई। जैसा था अच्छा लगा उस इतिहास राजनीति शास्त्र को, अच्छी लगी कोई बात तो उसको वहाँ से उठाकर यहाँ रख लिया अपने। जैसे अभी हम वर्तमान इसका एग्जाम्पल क्या, हमारे संविधान में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने निर्मित नहीं की है, हमने दूसरे राष्ट्रों के संविधानों से उन चीज़ों को एज इट इज़ अपने यहाँ रखने का प्रयास किया है। 1935 के अधिनियम की ज़्यादातर चीज़ें एज इट इज़ हमने यहाँ रख ली है। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई कसौटी पर परखने का प्रयास नहीं किया जाता, जबकि जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्री अपने तकनीक का प्रयोग करते हुए क्या कर रहे हैं? उसे वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का अनुसरण करते हैं, अध्ययन पद्धति का अनुसरण करते हैं। यानी अभी बात करेंगे
पहले इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता था। तो आप तो देखते हैं कि अब तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर फील्ड में पहले से ज़्यादा होने लगा है और धीरे धीरे हम और टेक्निकल होते जा रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल सेवी होते हैं, टेक्नो सेवी होते जा रहे हैं। तो वो टेक्नो सेवी होने का मतलब वो सिर्फ क्या हमारे एजुकेशन में काम है क्या हमें फाइनेंशियल क्षेत्र में आ रही है क्या? नहीं, एजुकेशन में भी आ रही है, मेडिकल में भी आ रही है, इकोनॉमिकल क्षेत्रों में भी आ रही है, सोशियोलॉजी में भी टेक्निक्स नई नई आ रही है। तो ऐसे ही राजनीति विज्ञान में भी नई नई टेक्निक्स का प्रयोग हो रहा है। और हमने पहले भी बात की है कि जो टेक्निक्स साइकोलॉजी में चल रही है, इकोनॉमिक्स में चल रही है, अगर वही टेक्निक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी उपयोगी है तो उस टेक्निक को वहाँ से उठाकर यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप आधुनिक राजनीति विज्ञान के फील्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखें आप इसको। तो ये जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं ये इसको परंपरागत बना रही है, और ये जो इसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, ठीक है, समाज शास्त्रीय, अध्ययन पद्धतियां क्या कर रही है, इसे महत्वपूर्ण बना रही है। चलो यहीं तक ठीक है, समाज शास्त्रीय अध्ययन पद्धति, समाज शास्त्रीय, ये जो अध्ययन पद्धतियां हैं ये हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के लिए। कौन सी अध्ययन पद्धति? ठीक है, परंपरागत राजनीति शास्त्रियों के लिए जो ऐतिहासिक दर्शनवादी विधिक पद्धतियाँ थी, निगमनात्मक जो पद्धतियाँ थी, उन पद्धतियों को, हालांकि ये निगमनात्मक तो कहीं भी आ सकती है लेकिन ज़्यादा बेस इनका रहा था, यानी आजकल पहले सिद्धांत का निर्माण होने से पूर्व परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांत का निर्माण किया जाता है परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद, घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पहले कहते थे पूत के पग पालने में दिखाई देना, तो वो तो पैदा होते हैं उसका निष्कर्ष निकाल देते थे, हाँ भाई ऐसा बनेगा, ये करेगा, वो करेगा, इसके लक्षणों से ऐसा लग रहा है, और सिद्धांत कर देते थे। उसने कुछ किया ही नहीं, उससे पहले घोषणा हो जाती थी कि बड़ा होकर ये बनेगा या बड़ा होकर ये इस तरह के काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है। चले आगे, चले आगे देखें, तो आप भी ध्यान रखें कि इसका मतलब ये जो पद्धतियां हैं ये आदर्शवादी हैं, या आदर्शवाद पर आधारित है जैसा कि हमने पूरी बात की थी, और ये जो पद्धतियां हैं ये यथार्थवादी हैं। कैसी मानी जाएंगी? यथार्थवादी। किस पर आधारित है ये? यथार्थवाद पर। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक अंतर है, जो घटनाएं जैसी हो रही है उनका उसी प्रकार से विश्लेषण किया जाता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। ठीक है, यानी उनका आगे का इफेक्ट हो सकता है इसकी भी चर्चा की जा सकती है, परीक्षण किया जा सकता है, नियमितताएं देखी जा सकती है, क्रमबद्धीकरण देखा जा सकता है, और उसके आधार पर कई बार भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम आगे जो हमारा आधार है
मूल्यों के आधार पर, यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। तो आपको जैसे कि आपको तो पता ही है कि क्या कह रहा था मैं, मूल्यों के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान का परंपरागत राजनीति शास्त्री मूल्यों पर सर्वाधिक जोर देते थे, मूल्यों पर सर्वाधिक जोर देते थे। मूल्य विहीन राजनीति खोखली मानी जाती थी। मूल्यों की स्थापना करना राज्य का परम दायित्व निर्धारित किया गया। आप समझ सकते हैं कि राजा जो कि प्रजा का आप कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जा रहा है, और उस राजा का कोई ना कोई नैतिक आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके नैतिक आचरण को उसके मूल्यों के आधार पर निश्चित किया जाता था कि कोई शासक किस आधार पर या किस प्रकार से प्रजा में अपनी छवि स्थापित कर रहा है, और उस छवि को स्थापित करने के लिए उसको कुछ मूल्यों का, कुछ नैतिक तत्वों का पालन करना आवश्यक माना जाता था, और उन नैतिक तत्वों का विश्लेषण करना ही राजनीति विज्ञान विषय का मुख्य केंद्र था या मुख्य बिंदु माना जाता था। अगर आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उन मूल्यों का भी अध्ययन करें जिनको एक शासक के द्वारा स्वीकार्य किया जाना चाहिए, और उनकी स्थापना करने के लिए राजा के द्वारा निरंतर प्रयास करने चाहिए, जिसे हमने नैतिकता कह देते हैं, जिसे हमने आदर्शवाद के साथ भी स्थापित किया है, इस तरह की बात भी हमने की है। यानी नैतिकता का मतलब मूल्यों को, कुछ ऐसे मूल्य जो समाज को दिशा देने का कार्य कर सकते हैं, समाज में एक सकारात्मक माहौल स्थापित करने का प्रयास करते हो या उसमें सहायक होते हैं। ईर्ष्या, ये सब चीज़ें, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये जो चीज़ें हैं ये सामाजिक ढांचे के साथ साथ राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित करने का काम करती है। अगर हम कह दें कि समर्थ जो है उनके द्वारा कहा गया कथन ही न्याय है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए कुछ मूल्यों की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके विपरीत जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में मुख्यतः मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया, मूल्यों को स्थान प्रदान नहीं किया गया। राजनीति भावनाओं या भावनाएं, मूल्य, नैतिकता और आदर्शवाद पर आधारित नहीं हो सकती।
आदर्शवाद पर आधारित नहीं हो सकती। इनके अनुसार ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब चीज़ें आपके ध्यान में आती रहनी चाहिए। मूल्य क्या करते हैं, कई बार व्यक्ति के अभी जैसे हम बात करें तो अभी वर्तमान में कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री के तो कोई परिवार है ही नहीं। वो क्या जाने परिवार का दुख, वो क्या जाने कि पहले तो नोटबंदी हो गई, फिर कोरोना काल आ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया, उन्हें तो किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परिवार के इमोशंस होने की, तो उसके जो विरोधी हैं उनके, वो कहते हैं कि जो दूसरा परिवार था जिसने शादी कर रखी थी, परिवार बढ़ा रखा था, उसने क्या किया, उसने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने के अलावा राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए ही नहीं। तो उससे बेटर तो ये है कम से कम ये खुद का घर तो नहीं भरे। तो ये अलग अलग विचारधाराएं साथ चलती है। अब सही कौन सी है, गलत कौन सी है, आप विश्लेषण करें। ठीक है, कुछ लोग उन्हें तानाशाह के रूप में देख लेते हैं, कुछ लोग अलग कमियां निकाल लेते हैं, कुछ अलग खूबियां निकाल लेते हैं, कुछ पूर्ववर्तियों में खूबियां निकाल लेते हैं तो कुछ पूर्ववर्तियों में कमियां निकाल लेते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो इसी बात पर आधारित है कि मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। परिवार है या नहीं है इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। परिवार है तो परिवार को ही महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। आपका परिवार के प्रति दायित्व अलग है और आपका राजनीतिक सत्ता में होते हुए राष्ट्र के प्रति या राजनीति के प्रति दायित्व अलग निर्धारित है। तो वहाँ पर आप दोनों को मिक्स नहीं करें, ऐसी अपेक्षा रखी जाती है आधुनिक राजनीति शास्त्र में। ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति शासन कर रहे थे वो अपने परिवार के लिए वंशानुगत आधार पर सत्ता सौंपने का कार्य कर सकते थे, करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बार बार किसकी बात करें कि मूल्यों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ाना जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ने से भी मना करते हैं, यहाँ कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान जो है और उसका जो मूल्यों के प्रति जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के आधार पर आप राजनीति विज्ञान का विश्लेषण कर सकते हैं। और ये विश्लेषण किया भी जाना चाहिए। आगे देखें आप उद्देश्यों के आधार पर, यहां बात कर ले पहले उद्देश्य इसका तो क्या है, राजनीति विज्ञान को, राजनीति को विज्ञान के समकक्ष रखना या बनाना, विज्ञान के समकक्ष बनाना। यह प्रयास भी किया था व्यवहारवादियों ने। ठीक है, राजनीति में अंतः अनुशासनात्मक संबंध स्थापित करना अन्य विषयों के और राजनीति के संबंधों को क्या करना, स्थापित करना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढना, खासकर कैसी राजनीतिक समस्या, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जो हैं वो राजनीति किए जाने के कारण ही क्या है, उनका समाधान नहीं ढूंढा जाता है। तो ये जो उद्देश्य है, कुछ मेन जो हम बात कर रहे हैं, एक तो राजनीति विज्ञान को क्या बनाना, विषय विज्ञान बनाना। ठीक है, और वहीं पर दूसरा कि सक्रिय पार्टिसिपेशन करें। अगर हम यहाँ पर और कह दें, राजनीति विज्ञान क्या करे, सक्रिय भूमिका निभाए। अब सक्रिय भूमिका निभाने के अंतर्गत ही क्या करेगा, ये अंतरराष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। यानी ये दो अवधारणाएं चल रही हैं, एक तो राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए पहली बात, और दूसरी चल रही है कि राज्य को जो नागरिक हैं या जो उनके राज्य में निवास करने वाले जो निवासी हैं
उनके जीवन को श्रेष्ठता, तो इनका भी लक्ष्य था, लेकिन उनके जीवन में जो भी कमी है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी आज की राजनीति का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो सक्रिय भूमिका निभाएगा, यानी हर क्षेत्र में वो अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेगा या अपनी सक्रियता को दिखाने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें इनके उद्देश्यों के लिए, तो यहाँ पर परंपरागत राजनीतिक उद्देश्यों को राज्य शासक को श्रेष्ठ बनाते हुए श्रेष्ठ बनाना, ताकि वह नागरिकों को श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध करा सके, श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध करा सके। यहां क्या है कि यहां पर राजा या राज्य क्या करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर अपने आप को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। अब एक उदाहरण दिया जाएगा राजा के आचरण का, व्यवहार का, उसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं उन क्रियाओं को या राज्य के उन सभी कार्यों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रजा भी अपने व्यवहार को संतुलित करने का प्रयास करती है। ठीक है, यानी वहाँ पर उन पर इतनी बंदिशें या पाबंदियाँ नहीं हो सकती हैं। राजा अगर अपने व्यवहार से बता रहा है तो राजा को अनावश्यक किसी भी प्रकार का दमन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य के हस्तक्षेप को ज़्यादा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर राजा जो है वो प्रजा के हितों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, देखें आप इसको, सक्रिय भूमिका निभाना, पहले के शासक नहीं निभाते थे, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते थे। उनका मेन उद्देश्य होता था अपने राज्य की सुरक्षा करना। में एकमात्र जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, अपने राज्य की सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करना। सुरक्षा को प्रायोरिटी दी जाती थी पहले के शासकों के द्वारा, या राजनीति विज्ञान का दायरा भी इतना ही सीमित था। वर्तमान समय में उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और क्वालिटी लाइफ, ये सारी चीज़ें किसका दायित्व मानी गई है, राज्य का। ठीक है, यहाँ पर प्रजा के प्रति प्रजा का दायित्व क्या था, राज्य की आज्ञाओं का क्या करना, पालन करना। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का दायित्व माना जाता था, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रजा विश्लेषण कर सकती है सरकार के कार्यों का, सरकार के आदेशों का, और उनको मानने या न मानने की स्वायत्तता भी प्रजा के पास होती है या नागरिकों के पास होती है। ऐसी कोई बंदिश यहाँ पर नहीं है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये सब उद्देश्य लेते हुए राजनीति विज्ञान आज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अगर हम देखें तो अब कई बार ऐसा भी आता है कि औपचारिक अध्ययन किया जाता है, कि क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन वाले में भी कर सकते थे, औपचारिक और राजनीतिक अध्ययन। किया जाना, ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, अनौपचारिक। कैसा अध्ययन, अनौपचारिक और अराजनीतिक अध्ययन भी किया जाता है। अनौपचारिक
और गैर राजनीतिक या अराजनीतिक? अध्ययन कर विश्लेषण करना, वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण करना और उनके आधार पर राज्य की स्थापना के लिए क्या करना, और मतलब राज्य को और बेहतर या राजनीति को और बेहतर बनाने का क्या करना, प्रयास करना। ठीक है, तो ये आपके जो मेन अंतर थे इनकी हमने चर्चा की है। इस चर्चा का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में हमेशा ही किसी तरह का विवाद रहेगा। आज के आधुनिक, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर उत्तर व्यवहारवाद आने के साथ ही मूल्यों को पुनः एक बार महत्व दिया गया है। ठीक है, आवश्यक माना गया मूल्यों को वापस, तो यहाँ पर यानी उस विरोध को या उस टकराव को कम करने का प्रयास किया गया है। इस तरह का जो डिवाइडेशन था उस डिवाइडेशन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और यह अपेक्षा रखी गई है या ये अपेक्षा की गई है कि ये दोनों दृश्य या दृष्टिकोण जो हैं या धारणाएं जो हैं आधुनिक और परंपरागत, ये दोनों मिलकर ही राजनीति विज्ञान के विषय को और प्रासंगिक बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप राजनीतिक अध्ययन भी कीजिए, गैर राजनीतिक अध्ययन भी कीजिए, संस्थागत भी कीजिए, अनौपचारिक अध्ययन कीजिए, औपचारिक अध्ययन कीजिए, यथार्थवादी अध्ययन कीजिए, आदर्शवादी अध्ययन कीजिए, लेकिन आप उसके माध्यम से राजनीति विज्ञान को विकसित करने का प्रयास कीजिए। यानी जहाँ जैसी आवश्यकता दिखाई दे वहाँ पर वैसा ही अध्ययन किया जाना चाहिए। दोनों में समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं वर्तमान के शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्री, क्योंकि जो विषय है हमारा वो विषय प्राचीन काल से रहा है और आगे भी ये विषय इसी प्रकार से काम करता रहेगा। ये जरूर है कि तकनीक के आने की वजह से, यहाँ तकनीक के आने की वजह से इसमें एक तरह की जो कला थी, राजनीति विज्ञान एक कला, कुछ लोग कला मानते हैं इसको, कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, तो कला ऐसे थी कि परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाना किसी भी प्रकार से टेक्निकली आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। कई बार रिलेशनशिप के आधार पर आपके संबंधों का निर्धारण किया जाता है। आप जिस तरह की विदेश नीति रखेंगे, जिस तरह के राष्ट्रों के साथ संबंध रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको संकट के समय वो सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए आप उन राष्ट्रों के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करें, आप उन राष्ट्रों के साथ किस तरह के बैलेंस करें, जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों को कैसे बैलेंस करें, समुदायों के संबंध के साथ किस तरह के संबंध स्थापित किए जाएँ, या जो परिस्थितियाँ निरंतर बदल रही हैं उन बदलती हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाएं या किस तरह से राजनीति का प्रयोग किया जाए या राजनीतिक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाए, इन सभी के बीच में एक तरह का समायोजन या सामंजस्य बैठाने का प्रयास दोनों विचारधाराओं के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में किया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति एक ऐसा विषय है जिसकी परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती है, तो हमें जब भी अगर हम चाहें तो देखो, आप ये भी अंतर कर सकते हैं कि जो विचारक है उनके आधार पर भी, तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, स्पेंसर, ये सारे मार्गेंथो, ये सारे आप यहाँ लिख सकते हैं। ओ मार्गेंथो नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं परंपरागत के परंपरागत में और आधुनिक के आधुनिक में। ठीक है, परंपरागत के परंपरागत में और आधुनिक के आधुनिक में। जो भी विचारक हैं, जिनकी भी रचनाएं हैं, जिनके भी विचार हैं, वो लिखें आप। ठीक है, डेविड स्टन, चार्ल्स मेरियम, आमंड, बर्बा, लॉसवेल आदि सब आधुनिक राजनीति विचारकों में आते हैं, और वहीं कुछ विचारक आते हैं प्राचीन, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, मेकियावली आदि ने परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया है।
उसके बाद हम देख सकते हैं इसका समय काल, हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, इसकी समय सीमा या इसका जो प्रभावी काल रहा वो रहा से यूनानी राष्ट्र राज्यों से लेकर वर्तमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और आधुनिक का रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर वर्तमान समय तक। तो ये टाइम के आधार पर आपने डिवाइडेशन कर दिया। तो इस तरह के जो दो डिवाइडेशन हैं वो आप और ऐड कर सकते हैं, और भी आप डिवाइडेशन कर सकते हैं अगर आपको लगते हैं वो ठीक है या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है वो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए ही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही, ज्ञान प्राप्त करना, यानी एक तरह से यथार्थवादी बात कर रहा, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही ज्ञान प्राप्त करना, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए नहीं। ज्ञान किसी चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, इसलिए नॉलेज आप गेन करें, ये इनका मानना है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक शास्त्रियों का, कि ऐसा ना हो कि आप ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं करें कि आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी को कमज़ोर साबित करना चाहते हैं, यानी जैसा है वैसा। आप किसी के साथ संबंध अगर लाभ के लिए कर रहे हैं तो लाभ को ध्यान में रखते हुए करें, आप किसी को के साथ संबंधों की स्थापना कर रहे हैं उसको उसका संरक्षण प्राप्त करने के लिए, संकट के समय उसकी मदद प्राप्त करने के लिए, तो फिर आप किसी और अन्य चीज़ की मांग नहीं करें। आप एक बात, क्योंकि अमेरिका, आपको पता है अमेरिका जिस भी राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करता है या जिसको भी सहायता प्रदान करता है तो वो कहता है कि आप अमेरिकी नीतियों का समर्थन करेंगे तो ही हम आपको सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो और कुछ नहीं कहा उसने, सीधी सीधी अपनी बात कही, सामने वाले को सीधी सीधी समझ में आ रही है तो एक्सेप्ट करे, और वो डिनाइल कर सकता है अगर उसको कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है, तो स्पष्ट बात हो रही है। जैसी टिट फॉर टैट वाला काम करते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के राजनीति शास्त्री, एक तरीके से अगर कहा जाए तो, ठीक है, जो जैसा है उसके साथ वैसा होना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर थे जो ख़त्म हो गए हैं। अब आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है आधुनिक राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के आधुनिक और परंपरागत अध्ययन क्षेत्र, इनकी चर्चा समाप्त हो गई है। अब आप इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, इसको याद रखते हुए काम करेंगे, ठीक है, और इस पार्ट को एक बार रिवाइज कर लें, देख लें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा का मतलब मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ कि अच्छा रहेगा, नहीं देखा जाएगा, ऐसा वाला अच्छा नहीं, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक दो उदाहरण दे दूँ मैं, इसके विचारक पहले भी लिखा रखे हैं तो आप उसको लिख लें। ठीक है, यहाँ तो है ही, ठीक है, इसकी समय सीमा
सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, और इसकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वर्तमान तक चल ही रहा है, निरंतर परिवर्तन हो ही रहे हैं। ठीक है, ये आपका लगभग पूरा हो गया। ये अंतर हैं, और इन अंतर्स को देखते हुए जब आप बात करेंगे तो आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक जब आप आएंगे तो आपके लिए इजी होगा समझने में। पहले इसको पढ़ लें या तो, और इसको पढ़ने के बाद जब आप आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी होने का मतलब समझ में आएगा। और आप बेसिकली ध्यान रखें जो परिभाषाएं लिखाई हैं उनको लिखें, परिभाषाओं के आधार पर जब आप उत्तर लिखेंगे या उसको समझेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आंसर। ठीक है ना, और छोटे बड़े प्रश्नों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है तो आप उनको तैयार करें। दो दो परिभाषाएं पूछी जाती हैं छोटी बड़ी इस तरह की, और कोशिश की जाती है आप भी इसी तरह से तैयार करें 15 से 20 शब्दों के हिसाब से, लगभग 100 से 150 शब्दों के हिसाब से, और फिर निबंधात्मक प्रश्न तो हैं उनको उनके हिसाब से आप तय करें। ठीक है, और राइटर्स की जो बुक्स लिखवाई हैं विथ ईयर उनको ध्यान रखें, और बुक्स को भी याद रखें किस बुक्स में क्या कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे अच्छी बात है उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए क्लास कॉलेज शुरू होने का, और ख़ुद के नोट्स तैयार कीजिए। इजी है पास होने के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। तो कोशिश कीजिए परसेंटेज भी बने और जानकारी भी प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करें आप। ठीक है, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।